नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पेज पे। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन 2019 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे, पेमेंट कैसे करें, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, फोटो सिग्नेचर, पूरी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर वन वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम को ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। अगर आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं पर भी सरकारी रिजल्ट खुली हुई है तो तुरंत देखिए लास्ट में डॉट कॉम लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगा तो नकली वेबसाइट है, उस पर आपको गलत जानकारी, गलत लिंक मिल जाएगा, आप परेशान होते रहेंगे, फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं होगा। दोस्तों आपको एक और वेबसाइट बताते हैं, उसका नाम है रोजगार रिजल्ट डॉट कॉम। जी हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट भी सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की तरह बिल्कुल ही ओरिजिनल है और सबसे सही जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फॉर्म की। आप देख सकते हैं एडमिशन सेक्शन में यूपी डीएलएड 2019 का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म 27 जून से चालू है, 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। पेमेंट आप 12 जुलाई तक कर सकते हो, कंप्लीट आप इसको 13 जुलाई तक कर सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी की 500, एससी एसटी की 300 और पीएच यानी कि विकलांग कैंडिडेट की 100 रुपये फीस लग रही है। एज लिमिट जो है 18 से 35 साल है, जो 1 जुलाई 2018 से कैलकुलेट होगी। चलिए दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एक डिटेल्स आ जाएगा, आपको इसको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन आते हैं वो ये चीज़ के, पूरा डिटेल्स दोस्तों अच्छी तरह पढ़ने के बाद आपको नीचे देखिए टिक का निशान आ रहा है, उस पर टिक करना है और पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें पे क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए फॉर्म हमारा खुल गया है। अब आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है। दोस्तों नाम डालने के बाद अब आपको अपना फादर नेम डालना है, फादर नेम डाल दिया, मदर नेम डालना है आपको अपना। नेक्स्ट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी डालनी है, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी है वो डालना है, सब कैटेगरी डालनी है। दोस्तों आपको एक्स सर्विस मैन हो, फ्रीडम फाइट। दोस्तों कैटेगरी के बाद आपको ऑप्शन आता है सब कैटेगरी का। सब कैटेगरी में अगर आप एक्स सर्विस मैन है, फ्रीडम फाइटर है, ये ऑर्थोपेडिक का आपका हैंडीकैप का ऑप्शन है, हियरिंग है, विजुअली है, मतलब हियरिंग आपका कान हो गया, विजुअली आंखों से हो गया, ऑर्थोपैथिक आपका जो पैर और हाथ से हो गया, अगर आप इसमें आते हो तो कीजिए, नहीं तो एन ए करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आपका जेंडर है, या आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन पूछ रहा है। दोस्तों आपको ग्रेजुएशन में अपने आप में जो जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम देना है। मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में नहीं शो कर रहा है तो यहाँ अदर यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करके डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों ये क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल दिया मैंने, पासिंग ईयर डाल दिया मैंने, अपना रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी आपको याद हो वो डाल दीजिए, मार्कशीट का नंबर डाल दिया। दोस्तों ध्यान दें ये सब नंबर चीज़ लगनी है आपकी, रोल नंबर भी लगेगा, मार्कशीट का नंबर भी लगेगा और यहाँ पर टोटल नंबर जो है और टोटल में से आप कितना नंबर पाए हैं ये देखिए परसेंटेज भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कैप्चा डालना है ये देखिए और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मोबाइल नंबर, ईमेल आई डी डालते हैं, आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पे करेंगे देखिए चेक करने के लिए आपका डिटेल्स आएगा, आपको उसमें अपना नाम, पिता का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सबकी स्पेलिंग जो है सब चेकआउट कर लेनी है। नीचे अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है, कोई भी करेक्शन है तो आप बैक कर सकते हैं, करेक्शन नहीं है तो फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों फाइनल सबमिट करते हैं। दोस्तों जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे लिख के आएगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर मिलेगा। चलिए दोस्तों क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। दोस्तों प्रोसीड करते हैं, आप देखेंगे आपका जो सेशन है वो लॉग आउट हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है, लॉगिन के साथ ही आपको जो कैप्चा था वो डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपके मोबाइल पे आएगा। और दोस्तों आपको बता दें एक मोबाइल नंबर पे एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जैसे आप अपने साथ दो चार दोस्तों का ही भर रहे तो सबका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अलग अलग होनी चाहिए। अगर किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आए तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं यहाँ पर और जो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो डालते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, 1 से स्टार्टिंग होगी, 19 हो सकता है, सिटी के हिसाब से कोड अलग अलग हो सकता है। और आपको बताया दोस्तों हर जनपद का आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना, एक ही आवेदन से आपका सब जगह का हो जाएगा। इस तरह डिटेल्स आने पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप लॉगिन करेंगे देखिए इस तरीके का एक पेज आ जाएगा, आपको यहाँ देखिए सारे स्टेप दिख रहे हैं। स्टेप 2 में प्री एग्जामिनेशन फी है, स्टेप 3 में आपका फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, स्टेप 4 में फोटो सिग्नेचर अपलोड है, स्टेप 5 में प्रिंट फॉर्म है। तो दोस्तों चलिए हम स्टेप 2 करते हैं यानी पे एग्जामिनेशन फी वाले पे क्लिक करते हैं।
दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फीस, कोर्स देगा, यहाँ पे एक्शन दे रहा है, उसके नीचे सिलेक्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करते ही देखेंगे आप SBI मॉब्स का पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको टिक करना है और फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए पेमेंट ऑप्शन हमारा खुल चुका है स्टेट बैंक। अगर आप दोस्तों देखिए पेमेंट ऑप्शन है स्टेट बैंक, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करते हैं तो 11 रुपये 80 पैसा आपका ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, अदर बैंक से करेंगे तो 17 रुपये आपका ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। डेबिट कार्ड से अगर आप करेंगे कोई पैसा नहीं लगेगा, आप इसको स्टेट बैंक की ब्रांच में भी जमा कर सकते हैं यानी ऑफलाइन मोड, उसमें आपका 59 रुपये लगेगा। आप इसको नेफ्ट और RTGS के थ्रू भी कर सकते हैं, UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको जो स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक अपना नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक किया। दोस्तों देखिए इस तरीके का पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, आपको इसी तरीके से पेमेंट आप नेट अगर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक का हो, किसी भी कोई भी हो, वीज़ा, मास्टर, रुपये। दोस्तों देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट नीचे कंफर्म कंफर्म पे क्लिक करना है और पेमेंट को आगे बढ़ाना है। दोस्तों जब लास्ट पेमेंट के लास्ट ऑप्शन में पहुंचेंगे ये OTP का ऑप्शन है, OTP डालना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है आपको। दोस्तों मान लीजिए पेमेंट करने के बाद इस तरीके का आपको एरर पेज आ जाता है और लिख के आता था पेज इज नॉट रिडायरेक्ट प्रॉपरली, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको वापस जाइए सरकारीRESULT.COM या RozgarResult.COM पे और लॉगिन के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कीजिए। लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डिटेल्स डालिए, आपका पेमेंट डन हो चुका होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं पेमेंट हमारा डन हो चुका है और अब फीस पेड भी जो है देखिए ओके लिख के आ गया, मतलब वहाँ पे एरर दे रहा था, आपको परेशान मत होइए, दोबारा लॉगिन कीजिए, पेमेंट आपका डन होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं स्टेप 3 पे यानी फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 पे क्लिक करते हैं। दोस्तों देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका दोबारा डिटेल कंफर्म करेगा, नीचे आपका पेमेंट डिटेल्स भी जो है शो कर रहा है, देखिए स्टेट बैंक से पेमेंट किया, ट्रांजेक्शन डेट टाइम सब आ जाएगा। आपको यहाँ नेक्स्ट कर जो आपको येलो कलर का बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखिए अब हम लोग आ चुके हैं पार्ट 2 पे, यहाँ पे आपको क्या करना है अपना हाई स्कूल का डिटेल डालना है पहले, हाई स्कूल आपने कब पास किया उसका डिटेल देना है आपको, अपना हाई स्कूल का रोल नंबर देना है आपको, नेक्स्ट आपको मार्कशीट का नंबर देना है, यहाँ पे आपको कितना नंबर मिला है कितने में से उसका डिटेल्स आपको शो करना है, यानी कि 600 में से आपको कितना नंबर मिला वो देना है। अगला ऑप्शन है आपका UP बोर्ड यानी कि इंटरमीडिएट का डिटेल यहाँ पे देना है, कॉलेज का नाम देना है, सेम वही प्रोसेस आपको अपना देना है, यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10। दोस्तों अगला ऑप्शन आ गया, देखिए आपका एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना है, अपना जो एड्रेस है वो डालना है, पिन कोड डाल देना है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, और दोस्तों यहाँ पे आप जो ID प्रूफ दे रहे हो, दोस्तों ID प्रूफ में आपका वोटर ID है, बैंक पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, तो ये सब चीज़ चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा। यहाँ दोस्तों अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म भरना चाहते हो तो नहीं चलेगा। तो उसमें दोस्तों जो भी आप ID प्रूफ दे रहे हो उसका यहाँ पे जो है वोटर ID मान लीजिए दे रहे हैं तो अपना वोटर ID कार्ड का नंबर डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा का बटन दिया हुआ है इसको आप जो है डाल दीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ नीचे सबमिट पर क्लिक करना है, जी हाँ दोस्तों पूरी डिटेल चेक कर लीजिए, तो यहाँ येलो कलर का सबमिट बटन है उस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों सबमिट करते ही आप देखेंगे आपका प्रीव्यू वाला पेज दोबारा खुल जाएगा, अच्छे तरीके से इसको चेक कर लीजिए, कोई करेक्शन है तो उसको नीचे जाके बैक करके करेक्शन कर लीजिए, अगर करेक्शन नहीं है तो यहाँ पे आपको टिक करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, कोई करेक्शन है तो बैक करना है, तो दोस्तों करेक्शन नहीं है फाइनल सबमिट करते हैं। और दोस्तों इस बार आपको बता दें इस बार फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई भी करेक्शन अलाउ नहीं है, इसलिए फॉर्म को हर स्टेप पर चेक करते चलिए तब आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब क्या रहा है आपको जो अपना फोटो सिग्नेचर जो है अपलोड करना है, तो यानी क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों देखिए अपलोड ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है, सिग्नेचर लगानी है। सिग्नेचर दोस्तों आपको बता दें रनिंग हैंड में कीजिएगा, लाल पेन से मत कीजिएगा और वाइट पेपर में कीजिएगा, 50 KB से कम की फ़ोटो होनी चाहिए और 20 KB से कम का सिग्नेचर होना चाहिए। चलिए दोस्तों उसको अपलोड करते हैं। देखिए दोस्तों आपकी फ़ोटो सिग्नेचर क्लियरली शो कर रही है, अब आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है, अब आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है
और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। दोस्तों फोटो सिग्नेचर आपको क्लियर दिखनी चाहिए, फोटो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, सिग्नेचर भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब इसको फाइनल सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं। कोई करेक्शन है तो क्लिक हियर टू एडिट पर जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए फॉर्म हमने कंप्लीट कर दिया बहुत ही आसानी से, आप देख सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी भी स्टेप पे आपका फॉर्म जो है लॉग आउट हो जाता है तो परेशान मत होइए, दोबारा लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन का ऑप्शन आपको rozgarresult.com और sarkarresult.com पे दे रखा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें प्रिंट फॉर्म क्लिक करने के बाद आपको PDF में इसका प्रिंट मिल जाएगा, उसको आप जो है ईमेल पर रख सकते हैं, मोबाइल पर रख सकते हैं। और चलते चलते दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो sarkarresult.com और rozgarresult.com के थ्रू भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।